Hello students, welcome back to social science class, class 9th. As we were reading second chapter of geography, today I will explain physical features of India. The physical features of India can be grouped under the following physiographic divisions: the Himalayan mountain, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains, and the islands. In map of India, you can see different type of physical features. First of all, I will start with my chapter with first physiographic division, the Himalayan mountain. The Himalayan mountain. The Himalayas are the youngest mountains in the world. Himalayas world ke sabse naveen माउंटेन्स में से एक है एंड आर स्ट्रक्चरली द फोल्डेड माउंटेन और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये फोल्डेड माउंटेन है. द हिमालयाज रन अलोंग द नॉर्थन बॉर्डर ऑफ इंडिया. हिमालय इंडिया के नॉर्थन बॉर्डर की तरफ हैं. द हिमालयाज फॉर्म एन आर्क विच इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग. हिमालय एक आर्क की शेप में है जिसकी जो लेंथ है वो 2400 किलोमीटर्स है. विड्थ, जो हिमालय की विड्थ है वो अलग अलग है. कश्मीर में हिमालय की चौड़ाई 400 किलोमीटर है जबकि अरुणाचल प्रदेश द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया वहाँ पे हिमालय की विड्थ 150 किलोमीटर है. द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन द ईस्टर्न पार्ट्स देन द वेस्टर्न पार्ट्स. हिमालय की जो ऊंचाई है वो भी अलग अलग है. ऊंचाई में भी विविधता पाई जाती है. देयर आर थ्री पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट. हिमालय के लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की थ्री पैरेलल रेंजेस हैं. हिमालयन माउंटेन्स, दीज माउंटेन्स रेंजेस रन इन द वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र रिवर. हिमालय माउंटेन्स की जो रेंजेस हैं वो वेस्ट डायरेक्शन से ईस्ट डायरेक्शन की तरफ हैं, मींस इंडस रिवर से लेके ब्रह्मपुत्र रिवर तक हैं. दे कवर अ डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर. इस ये कितने किलोमीटर के डिस्टेंस कवर करती हैं? 2400 किलोमीटर का. द विड्थ वेरीज फ्रॉम 400 किलोमीटर इन कश्मीर टू 150 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश. कश्मीर में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है. द एल्टीट्यूडनल वेरिएशंस आर ग्रेटर इन ईस्टर्न हाफ देन दोज इन द वेस्टर्न हाफ. इसके पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है. द हिमालय कंसिस्ट ऑफ थ्री पैरेलल रेंजेस. हिमालय की थ्री पैरेलल रेंजेस हैं इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की तरफ. फर्स्ट है द ग्रेटर हिमालयाज और इनर हिमालयाज और हिमाद्री. ग्रेटर हिमालय को इनर हिमालय भी कहा जाता है और द हिमाद्री रेंज भी कहा जाता है. सेकेंड हिमाचल और लेसर हिमालय. हिमालय की सेकेंड रेंज हिमाचल है और इसे लेसर हिमालयाज भी कहा जाता है. हिमालय की थर्ड रेंज शिवालिक. शिवालिक रेंज सबसे आउटर मोस्ट रेंज होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट ग्रेटर हिमालय. द हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज इज नोन एज द ग्रेटेस्ट हिमालय. इट इज़ आल्सो नोन एज
हिमाद्री, हिमालय की जो हाईएस्ट रेंज है उसको ग्रेटर हिमालय कहा जाता है, इसका नाम हिमाद्री भी है। द ग्रेट हिमालयाज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड एक्सटेंड अलोंग द नॉर्थन फ्रंटियर ऑफ पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान एंड बर्मा। दे वर फॉर्म्ड जियोलॉजिकली एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिएशन ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट विद एशिया। ग्रेट हिमालय हिमालय की हाईएस्ट रेंज है वर्ल्ड में, ये इसका जो बॉर्डर है पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान और बर्मा से लगता है। ये जब इंडियन सब कंटिनेंट एशिया के साथ कोलाइड हुआ था गोंडवाना लैंड से अलग होके साउथ की तरफ, सॉरी नॉर्थ की तरफ मूव होके, जब इंडियन सब कंटिनेंट मूव होके गया था और एशिया वाली प्लेट से टकराया था, तो कोलिएशन होने के कारण ये हिमालय माउंटेन बना था। द ग्रेटर हिमालयाज और नॉर्थन रेंज एवरेज अप्रोक्सीमेटली 6,000 मीटर्स इन हाइट। ग्रेटर हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो 6,000 मीटर है एंड कंटेन्स द थ्री हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन द अर्थ। अर्थ के तीन हाईएस्ट माउंटेन हिमालय की इसी रेंज में है। माउंट एवरेस्ट जिसकी जो हाइट है 8,796 मीटर है अकॉर्डिंग टू न्यू डाटा। इट्स हाइट इज़ अबाउट 8,848 मीटर्स है, ये नेपाल में है। सेकेंड रेंज कंचनजुंगा जो इंडिया में है जिसकी हाइट 8,598 मीटर्स है। और थर्ड रेंज मकालू ये नेपाल में है जिसकी हाइट 8,481 मीटर्स है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर द हाईएस्ट पीक्स ऑफ हिमालय माउंट एवरेस्ट, इट्स हाइट इज 8,848 मीटर। के टू 8,611 मीटर। कंचनजुंगा 8,586 मीटर। मकालू जो नेपाल में है 8,481 मीटर। धौलगिरी नेपाल में है ये भी 8,172 मीटर। नंगा पर्वत ये भारत में है, इंडिया में है 8,126 मीटर। तो ये कुछ हिमालय की हाईएस्ट पीक्स हैं, इनके अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग नेम हैं। लेसर हिमालयाज दीज आर द ग्रुप ऑफ रेंजेस लाइंग इन द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज फॉर्म द मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम। ये लेसर हिमालय की जो रेंजेस हैं ये ग्रेटर हिमालय के साउथ की तरफ हैं और ये इंडिया के माउंटेन सिस्टम को रग्ड बनाती हैं। कंपोज्ड ऑफ हाईली कंप्रेस्ड एंड एल्टर्ड रॉक, ये कंप्रेस्ड और एल्टर्ड रॉक से मिलके बनी हुई हैं। एल्टीट्यूड वेरीड बिटवीन 3700 एंड 4500 मीटर्स एंड एवरेज विड्थ इज ऑफ 50 किलोमीटर। इसकी जो हाइट है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। इसकी जो हाइट है वो 3700 किलोमीटर से मीटर से 4500 मीटर्स तक है और इसकी एवरेज विड्थ है वो 50 किलोमीटर है। इसकी कुछ रेंजेस हैं, पीर पंजाल रेंज ये द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज है। धौलाधर एंड महाभारत रेंज ये कुछ अदर इम्पोर्टेंट रेंजेस हैं। फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर द कांगड़ा एंड द कुल्लू वैली इन हिमाचल वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशन। जो फेमस हिल स्टेशंस हैं कांगड़ा, कश्मीर, कुल्लू,
ये सभी हिमाचल रेंज में हैं। दार्जिलिंग टी फील्ड इन लेसर हिमालय, व्यू ऑफ लेसर हिमालय, यू कैन सी सेकेंड रेंज ऑफ हिमालय हेयर। कश्मीर वैली, कुल्लू वैली, कांगड़ा वैली, पीर पंजाल रेंज ऑफ हिमाचल। रानीखेत, नैनीताल, दीज आर सम इम्पोर्टेंट हिल स्टेशंस ऑफ हिमाचल रेंज। और थर्ड हिमालयन रेंज इज शिवालिक। दीज आर द आउटर मोस्ट रेंजेस ऑफ हिमालयाज। शिवालिक रेंजेस आउटर मोस्ट रेंजेस हैं हिमालय की। एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 15 किलोमीटर। ये 10 to 15 किलोमीटर की विड्थ पे हैं। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर है एंड हैव एन एल्टीट्यूड बिटवीन, और इसकी ऊंचाई है 900 से लेके 1100 मीटर्स तक। कंपोज्ड ऑफ अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स फ्रॉम द हिमाद्री एंड कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एलुवियम। ये शिवालिक रेंजेस हिमालय की ये अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स से मिलके बनी है। ये सेडिमेंट्स रिवर्स के द्वारा हिमाद्री रेंज से बहा के लाए गए हैं और इसी कारण से ये जो रेंजेस हैं ये एलुवियम से थिक हैं। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर नोन एज डून्स। जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में जो वैलीज हैं उनको डून्स कहा जाता है। कोटली डून एंड पातली डून आर सम ऑफ द वेल नोन डून्स। कुछ एग्जाम्पल हैं डून्स के, कोटली डून एंड पातली डून। देहरादून, कोटली डून, पाटली डून, तो दोनों हिमालयन रेंजेस के बीच में जो डिस्टेंस है, वैलीज हैं, उनको डून्स कहा जाता है। व्यू ऑफ शिवालिक रेंज, केदारनाथ शिवालिक रेंज पे है। ये शिवालिक की हिल्स हैं, पहाड़ियां हैं। ये थी हिमालय की 3 इम्पोर्टेंट रेंजेस। नाउ रीजन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। हिमालय के ईस्ट से वेस्ट के रीजन्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पंजाब हिमालय, दिस पार्ट लाइज बिटवीन द इंदस एंड सतलुज रिवर्स। के अकॉर्डिंग हिमालय का डिवीज़न किया गया है जिसको रीजनल डिवीज़न कहते हैं, ईस्ट टू वेस्ट। पंजाब हिमालय ये इंदस और सतलुज रिवर के बीच का पार्ट है। फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दिस इज़ नोन एज कश्मीर हिमालय। जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ हम मूव करते हैं तो इसको कश्मीर हिमालय और हिमाचल हिमालय कहा जाता है। सेकंड कुमाऊं हिमालय, दिस पार्ट लाइज बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर। सतलुज और काली रिवर्स के बीच का पार्ट कुमाऊं हिमालय है। नेपाल हिमालय, दिस पार्ट लाइज बिटवीन द काली एंड तीस्ता रिवर। काली और तीस्ता रिवर के बीच वाले पार्ट को नेपाल हिमालय कहा जाता है। असम हिमालय, दिस पार्ट लाइज बिटवीन द तीस्ता एंड दिहंग रिवर। असम हिमालय तीस्ता एंड दिहंग रिवर के बीच का पार्ट है। ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, द ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ हिमालय। हिमालय के ईस्टर्न बॉर्डर ब्रह्मपुत्रा रिवर से बनाए गए हैं। बियॉन्ड द दिहंगोज द हिमालय सैंड बैंड शार्पली टुवर्ड साउथ। दिहंगोज की तरफ से हिमालय साउथ की तरफ बैंड हो जाता है एंड फॉर्म द ईस्टर्न हिल, और ईस्ट की हिल्स बनाता है जिसको पूर्वांचल कहा जाता है। दीज हिल्स रन थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये हिल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ने है इंडिया के। दे आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ सैंडस्टोन। ये हिल्स सैंडस्टोन से मिलके बनी हुई हैं। दीज हिल्स आर कंपोज्ड ऑफ द पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स एंड मिजो हिल्स। जो ईस्टर्न पार्ट्स में जो हिल्स हैं उनको पटकई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुरी हिल्स और मिजो हिल्स में डिवाइड किया गया है। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो हिमालय के ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ है।
तो उसमें जो ईस्टर्न स्टेट्स की तरफ बेंड होने के बाद ईस्टर्न हिल्स को पूर्वांचल कहा जाता है, और इसकी जो मेन हिल्स पटकई हिल्स, नागा हिल, मणिपुरी हिल्स और मिजो हिल्स हैं। थैंक्स, रीड अगेन अबाउट हिमालयन माउंटेन्स फ्रॉम योर बुक एंड ट्राई टू राइट सम इम्पोर्टेंट टर्म्स फ्रॉम इट।